वेलकम टू आर्ट्स इन पेपर, दिस तंजीलुर रहमान। जितने भी सोशल मीडिया यूजर हैं और जो भी जिन्होंने भी फेसबुक वगैरह या कोई से भी इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, उन्होंने NFT के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो NFT क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, टोकन क्या होते हैं, क्या आपको इसमें पार्ट लेना चाहिए कि नहीं, और जो आर्टिस्ट हैं और जो क्रिएटर हैं उनका इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले जो आता है नंबर 1 पर आता है ब्लॉकचेन, फिर NFT, फिर क्या आपको इसमें पार्ट लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम शुरू करते हैं ब्लॉकचेन। तो समझे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मैंने एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे या किसी यूज़र को मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे अपने बैंक से। तो इसमें 3 स्टेप लगे हैं। नंबर 1, मेरे अकाउंट से पैसे रिलीज़ हुए। नंबर 2, बैंक ने वेरीफाई किया। और नंबर 3, उसके अकाउंट में पैसे अप्रूव हो गए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप थे। इसमें क्या हुआ कि जो पैसे मेरे ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें सिर्फ 3 लोग गवाह थे और एक प्लेटफॉर्म था जो कि बैंक था। तो हम तीनों को पता था कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। लेकिन इसी को वास्ट करने के लिए एक बंदा है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। उसकी आइडेंटिटी अभी मुझे कंफर्म नहीं कि मेरे गूगल करा है कि वही है कि नहीं। तो अभी खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक बंदे ने तजवीज़ दी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिस पे ये जो ट्रांजेक्शन हुई है मेरी किसी जो दूसरे बंदे को, उसमें बैंक बीच में ना हो। जितने भी दुनिया में आवाम है, जितने भी लोग हैं, वो उसकी गवाह बने कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और उसी को नाम दे दिया गया ब्लॉकचेन। ये ऐसा क्यों करा गया कि अब कोई सी भी जो है, जैसे कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करता है या कोई से भी पैसे ट्रांसफ़र करता है, कोई से भी एसेट ट्रांसफ़र करता है, अब उसमें जो है कोई भी हिडन नहीं है, सब ओपन, सबके सामने रहेगा। और उसके लिए बहुत से जो है वो प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन के, जहाँ जाके मैं आपको फ्यूचर में वीडियो वगैरह में बताऊँगा कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है। तो ये तो हो गया ब्लॉकचेन कि कोई सी भी ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र करना जो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, वो सब अवामी होती है और सब उसको देख सकते हैं। तो ये अब जो है एग्जिस्ट करता है। टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि अब जो है इन चीज़ों को आप डिजिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने ब्लॉकचेन। इसके बाद चलते हैं NFT। तो NFT में 2 चीज़ें हैं, एक है NF और एक है T। NF का मतलब है नॉन फंजिबल, पूरा एब्रीवेशन ये है, नॉन फंजिबल टोकन। टी का मतलब टोकन, NF का मतलब नॉन फंजिबल। तो नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है? नॉन फंजिबल का मतलब होता है ऐसी भी कोई सी चीज़ जो रिप्लेस नहीं हो सकती, तो उसको बोलते हैं हम नॉन फंजिबल। मतलब कोई सी भी ऐसी चीज़ जो रिप्लेस नहीं हो सकती। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि समझे, मेरे पास एक मोबाइल है, वो उस तरह का मोबाइल बहुत से दुनिया में मौजूद हैं, हजारों सैकड़ों मोबाइल वैसे मौजूद हैं। लेकिन मेरा जो मोबाइल है, मैंने उस पर ऐसी ऐसी एप्लीकेशन कर ली या ऐसे ऐसी उसको बना लिया कि वो रेडी टू यूज़ है, आप उसको सिर्फ बाय करें और सिर्फ आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें, चाहे वो मैंने उसको डिज़ाइनर्स के लिए रेडी किया हो, चाहे किसी भी लिए रेडी किया हो। तो वो जो मेरा मोबाइल बन गया ना, वही मोबाइल अब रिप्लेस नहीं हो सकता, वो यूनिक आइटम हो गया है, वो एक लिमिटेड एडिशन हो चुका है। तो ऐसी चीज़ को मैं सेल करूँगा तो वो कहलाएगा नॉन फंजिबल। ठीक है, और टोकन का क्या मतलब है? अब जो ब्लॉकचेन में करेंसी यूज होती है, जैसे हमारी करेंसी यूज होती है रुपीज़ में, बाहर जो है वो डॉलर्स में, इंडिया में इंडियन रुपीज़ होती है, और इसी तरह कैसे सऊदी अरब में दरहम होते हैं। तो जो ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है उसमें जो करेंसी होती है उसको हम टोकन बोलते हैं। समझ लिया, मैंने किसी को 100 रुपये दिए तो मैं ब्लॉकचेन की दुनिया में इसको बोलूँगा मैंने किसी को 100 टोकन दिए। तो ये हो गया नॉन फंजिबल टोकन, मतलब ऐसी कोई सी चीज़ जो रिप्लेस नहीं हो सकती तो नॉन फंजिबल बोलते हैं, और टोकन बोलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में करेंसी को जो उनके यूज़ करते हैं, जैसे 100 रुपये 100 टोकन। ठीक है, तो ये हो गया आपका NFT, नॉन फंजिबल टोकन। अब इसको हम मोर क्लियर करते हैं कि ऐसी कोई सी चीज़, समझे मैंने एक जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए थे, जब मैंने आपको एग्जांपल बताई बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफ़र हुए, लेकिन वो तो सिर्फ पैसों की बात थी। अब ऐसी कोई सी चीज़ समझ लें, पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, कोई सॉन्ग हो गया या कोई पोस्टर वगैरह हो गया, अगर उसको मुझे ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा दुनिया को कि इसका ऑनर कौन है? तो उसके लिए भी NFT का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे OpenSea और भी इस तरह के ब्लॉकचेन या क्रिप्टो वगैरह की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप अपने एसेट वगैरह अब सेल कर सकते हैं। अब ये डिजिटल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो क्रिएटर्स हैं वो उनसे, जो और भी बड़े शार्क हैं वो आर्टिस्ट को हायर करते हैं और उनसे ये नॉन फंजिबल जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं अपने आर्ट्स। तो और ये बेसिकली क्यों हुआ है कि जिनके, अब वो जो लोग जिनके पास बहुत सा पैसा है और सारी अपनी चीज़ें पूरी कर चुके हैं, तो वो अब इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और दुनिया की जो महंगी महंगी चीज़ें हैं वो बाय करते हैं और उनकी ऑनरशिप अपने हाथ में लेते हैं। क्योंकि अब एक ऐसी दुनिया बनने वाली है मेटावर्स, जो वर्चुअल रियलिटी पे बेस करेगी और उस पर ये सारी चीज़ें वो यूज़ करेंगे। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें आना है कि नहीं,
सबसे पहली बात मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है ट्रेंड इज अ फ्रेंड, मतलब कोई सा भी जो ट्रेंड है आप उसमें ज़रूर पार्ट लें, मैं तो पार्ट लेता हूँ। अब ये जो है बहुत महंगा है, ठीक है, इसमें एथेरियम यूज़ होता है, ये डॉलर्स को आप कन्वर्ट करेंगे एथेरियम में तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें अपने किसी को पार्टनर को मिला लें, चाहे अपने फ्रेंड को मिला लें, चाहे अपनी फैमिली फ्रेंड्स को मिला लें, वो कोई से भी अपने फैमिली मेम्बर को मिला लें, तो वो आप उसमें मिल के एथेरियम के थ्रू वो बाय करें। वॉलेट वगैरह कैसे बनाते हैं, कहाँ से बाय करना है, वो सब मैं आपको अपनी फ्यूचर क्लासेस में बताऊंगा। इसके अलावा एज अ डिज़ाइनर समझे, मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपने आर्ट बना रहा हूँ और मैं उसमें अपलोड करूँगा, तो इसमें क्या है कि आपको सीखने को मिलेगा, आपका लॉस कोई नहीं है, ठीक है। आप उसको बनाएं और पार्ट लें, हो सकता है आपके कोई छक्के चौके भी लगना शुरू हो जाए। तो उम्मीद है कि NFT आपको क्लियर हो गया होगा, ब्लॉकचेन क्या होता है, NFT क्या होता है, आपको इसमें पार्ट लेना है कि नहीं। मैं तो इसमें पार्ट लेने जा रहा हूँ और आप लोगों को भी गाइड करूँगा कैसे इसमें आपको पार्ट लेना है। और अगर आप क्रिएटर नहीं है तो आप उसमें जो कम प्राइस फ्लोर वाले NFTs हैं उनको बाय करें। फ्लोर प्लान क्या होता है, फ्लोर प्राइस क्या होता है, वो सब मैं आपको अपनी फ्यूचर क्लास में बताऊँगा, तो आप उसको जो है ज़रूर जुड़े रहें उसके बाद। इसके अलावा आपने अगर आपके पास पैसे कम है, स्टूडेंट वगैरह हैं, तो आप जो है अपने दोस्तों का मिलकर उसमें पार्ट लें, तो इसमें कम कम अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको कम लॉस होगा, अगर लॉस होता है, अगर नहीं होता, अगर उसमें फ़ायदा होता तो आप सब उसको भी डिवाइड कर लें तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। और जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए फ़ायदा है, वो खुद अपना आर्ट क्रिएट करके, मतलब लेकिन आर्ट आपके अपने होने चाहिए, ऑनरशिप आपकी अपनी होनी चाहिए, ताकि आप किसी को ट्रांसफ़र करें तो उसमें कॉपीराइट के इशूज़ वगैरह ना आए। तो उम्मीद है ये NFT और ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को और ज़्यादातर शेयर करें उन लोगों पर जो NFT के बारे में जानना चाहते हैं। और तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर क्लास के लिए मैं NFTs के बारे में, मैंने भी NFTs बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगा, और आपको उसमें अपलोड वॉलेट वगैरह कैसे बनाना है वो सब भी मैं आपको फ्यूचर क्लास में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।